हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं हम। लाइफ सेंटेंस ख़त्म होता है, ठीक है ना, और यही आखिरी मिशन है सेंट्रल सिटी का, ठीक है ना, न्यू स्टार्क सिटी में सेंट्रल सिटी का। अब मुझे पूरा यकीन है कि अब ऐसा मिशन आएगा जो हमें अगले मैप से जोड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे लाइफ सेंटेंस ख़त्म होने के बाद आपको स्पेशल मिशंस की वीडियो मिलेगी, और उसके बाद मिलेगा ये वाला मिशन जो कि है कॉस्मिक थ्रेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस मिशन को। तो हम आ गए कॉस्मिक थ्रेट के अंदर, जहाँ पे सुपर विलन अपीयर्ड हो गया, जो भी है वट एवर, लेट्स गो फॉर इट। तो जैसा कि अपन को आखिरी वीडियो में बता दिया गया था कि किसी ने रिफ्ट खोली है, और वहाँ पे हमारा एक और दूसरे डायमेंशन का आयरन मैन भी, वो भी पहुँच चुका है। तो ये रहा वो एम बेस, दूसरी अर्थ पे है ये, ठीक है, अपनी अर्थ पे नहीं, दूसरी अर्थ पे है एम बेस पे। ये है मडोक, मडोक और ये Are लोग you मिलके certain this is एक्सपेरिमेंट the कर रहे only हैं। way? Countless dimensions have तो ये कह रहा है क्या vanished यही without वे a है? trace. तो ये कह रहा है कि Use your हाँ, brain while you still have it. तो ये कह रहा है कि We're हाँ ब्रेन को tapping यूज into करो। forces we may not be able to control, ये MODOK. कह रहा है कि हम दूसरी जगह का पोर्टल खोल रहे हैं, हो सकता है वहां से कुछ ऐसा है जिसे हम कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है ना। शुरू में ये कहते हैं कि यही There is रास्ता है, nothing that we cannot control. तो अब मडोक The कह रहा है कि universe ऐसी कोई is चीज नहीं जिसे हम ours. कंट्रोल नहीं कर सकते, It ये is पूरा यूनिवर्स time ही we मेरा है, claimed it. और अब हमारा टाइम आ गया कि हम उसे क्लेम करें, हम उसे अपना बना लें। तो यही है कुल मिला के एक साइंटिस्ट और मडोक की कहानी है। अनदर यूनिवर्स, दूसरे यूनिवर्स में हमें दिखा रहे हैं, जहाँ पे कुछ नोवास के वो पड़े हैं हेलमेट, एंडलेस सेक्रीफाइसेस। थानोस कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइस किए गए, सेक्रीफाइस मतलब ऑल फॉर यू, बलि दी गई है एंडलेस, मूवी जिनका कोई अंत ही नहीं है, इतनी बलि दे गई। देखो थानोस को मारने में कितने लोग मर गए। अब थानोस कह रहा है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो मेरे मेरे लव? तब तक डायमेंशन रिफ्ट खुलती है, लगता है ऐसा नहीं है। तो माय लव मतलब शायद यूनिवर्स को कह रहा है, तो यूनिवर्स को कह रहा है इतने लोगों को मैंने मार दिया, अब तुम सेटिस्फाइड हो? मैंने सबको मार दिया। तब तक यूनिवर्स पीछे से एक पोर्टल खोल देता है, वो बात अलग है मडोक ने खोला है, पर इसके हिसाब से थानोस के हिसाब से उसको लग रहा है कि यूनिवर्स ने खोला, यूनिवर्स के, और यूनिवर्स से बोल रहा है ना अभी भी तुम सेटिस्फाइड लगे हो, इट सीम्स नॉट। और हम यूनिवर्स के उस पार जा रहे हैं, हम नहीं थानोस। हो सकता है मैं तुम्हारा अब एक फेवर जीत लूँ। कुछ समझ में नहीं आया, थानोस ना ऐसे पजल पजल की बातें करता है, कुछ समझ पल्ले तो पड़ता नहीं क्या कहना चाह रहा है, मैं तो क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आयरन मैन हमें मिलता है, जो कह रहा है कि देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हें दूसरे टोनी स्टार्क ने वहाँ हेडक्वार्टर्स में क्या कहा, बट आई एम ए रियल, आई एम ए रियल मतलब मैं रियल हूँ, मैं असली का टोनी स्टार्क हूँ, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। तब तक कैप्टन मार्वल भी यहाँ पे होती है, कहती है ओहो तुम आयरन मैन और तुम्हारी ईगो, ईगो मतलब तुम्हारा एटीट्यूड जो है, हाँ क्या हम मिशन पे कंसंट्रेट करें ये सब छोड़ के? तो कह रहा है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये जो न्यू साइंटिस्ट है, पागल न्यू का साइंटिस्ट, इन्होंने कौन सी नई प्रॉब्लम अब खड़ी कर दी है। ये कह रहा है कि प्रॉब्लम इसमें बहुत खतरनाक होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी रीडिंग्स जो आई है सेंसर्स में वो ज़्यादा ही खतरनाक आई हैं। ये कह रहा है कि तो कैप्टन मार्वल कह रही है हमें जल्दी करना चाहिए, मुझे इसके बारे में अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो अब हमारे टोनी स्टार्क हेडक्वार्टर से कह रहा है साइंटिस्ट विथ फैंसी गन्स, वेल एटलीस्ट एम इज़ प्रिडिक्टेबल। तो कह रहा है यहाँ के साइंटिस्ट गन्स के साथ है, तो अच्छी बात यह है कि एम प्रिडिक्टेबल है, तुम जाके पेल दो इन्हें। तो हम पेल रहे हैं, ठीक है। फिर से टोनी स्टार्क हेडक्वार्टर से कह रहे हैं हैंग ऑन, आई एम पिकिंग अप समवन अब नॉर्मल पावर्स हमें चाहिए, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप फाइटिंग एंड टॉक टू द एम एगहेड्स। तो हमारे हेडक्वार्टर वाले टोनी स्टार्क ने कहा कि मुझे बहुत ही अजीब तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो इसलिए उनको पीटो मत, तो उनसे एक बार बात कर लो कि इन लोगों ने किया क्या है, क्योंकि इतने अब नॉर्मल्स तो मुझे कभी नहीं मिले, जो भी इन्हें सेंसर्स में मिल रहे हैं चीज़ें, जो भी इन्हें सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो ये अपना आयरन मैन, अपना आयरन हेडक्वार्टर वाला आयरन मैन नहीं, यहाँ का आयरन मैन कह रहा है हेलो देयर, हेलो डिसगस्टिंग डिसग्रंटल साइंटिस्ट मतलब बेकार के साइंटिस्ट, क्या तुम मुझे बताना प्रेफर करोगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उससे पहले कि मैं इस पूरे ही जगह को बंद कर दूँ या ख़त्म कर दूँ? और ये कह रहा है कि बी फील फ्री टू यूज़ बिग वर्ड्स, यानी कि तुम चाहो तो पूरे बिग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो ना, साइंटिफिक टर्म्स और मैथमेटिकल टर्म्स है ना, खतरनाक खतरनाक बड़े बड़े वर्ड्स, ठीक है ना। आई एम नॉट स्मार्टर देन यू, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मेरे बिग वर्ड्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कन्फ्यूज़ नहीं होऊंगा। तो कह रहा है रुको रुको, ठीक है ना, ये बहुत ही अनस्टेबल स्टेट में अभी, यहाँ पे सब चीज़ें और छोटी भी स्मॉल एनर्जी भी पूरी जगह को डेटोनेट कर सकती है, और आपको तो पता ही आयरन मैन के पूरे सूट में एनर्जी घूमती रहती है, तो ज़्यादा एनर्जी मत चलाना। या ठीक है मैं रुका हुआ हूँ, वेट कर रहा हूँ, पर मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा।
तो ये कह रहा है कि तुम फटाफट बताओ क्या हो रहा है और मैं तुम्हारी थ्योरी को टेस्ट कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ एनर्जी चला के बम फोड़ देता हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ देख डायमेंशन पोर्टल हमने खोला है, वो डायमेंशन पोर्टल ओवरलोड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी घुस रही है और उसमें एनर्जी जो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। ये कह रहा है कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया के अंदर पहले ही चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल थी, ठीक है ना, कन्वर्जेंस हो रहा है, ये सब फ्रिक्वेंसी इधर उधर हो रही है, फालतू नाटक हो रहे हो, तुमने ये चीज़ और खोल दी है, शर्म आ रही तुम लोगों को। ये कह रहा है कि एम ने, यानी इनके ऑर्गेनाइजेशन ने इस दुनिया को बचाया है साइंस के द्वारा। और ये कह रहा है कि हाँ, और अब मुझे, तो अब कैप्टन मार्वल कह रही है हाँ, और अब मुझे इस दुनिया को, या हमें इस दुनिया को साइंस से बचाना पड़ेगा, चलो हम जल्दी करते हैं। तो अब हम गए पोर्टल के पास, तो एम साइंटिस्ट कह रहे हैं ओ, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हम पोर्टल को क्लोज नहीं कर पाएंगे। और ये कह रहा है पोर्टल के उस पार्ट से कोई आ भी रहा है। अब हमारा आयरन मैन भी ट्राई करता है, कम ऑन आई जस्ट नीड, एंड मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। आयरन मैन कह रहा है क्या तुम ये देख रहे हो? बूम, ये कह रहा है हाँ मैं देख रही हूँ, मैं फील भी कर रही हूँ। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। और थानोस कह रहा है ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और डायमेंशंस तो और भी बड़े हैं। और ये कह रहा है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी तो किसी भी डायमेंशंस में सबसे ज़्यादा है, जो तुमने पोर्टल खोल के मुझे ही बुला लिया, मतलब मेरे यहाँ का ही पोर्टल खोल दिया तुमने। ये कह रहा है मैं तो हमेशा ढूंढता रहता हूँ न्यू वर्ल्ड को हथियाने के लिए, और इस वन को तो मैं जल्दी ही हथिया लूंगा। ये कह रहा है कि किसी ने मुझे बताया नहीं कि थानोस आने वाला है, वरना मैं आता ही नहीं इस पार्टी में। तब तक कैप्टन मार्वल कहती है वेल, ये पार्टी तो अभी स्टार्ट ही हुई है। तो आ गए हैं थानोस। तो थानोस से लड़ रहे अपन। वैसे यहाँ पे ये जो भी ट्रिक्स करेगा वो ट्रिक्स सारी अपन को जंडार्थ में फिर से देखने को मिलेगी, तो आप मेरी जंडार्थ वाली वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा बस इसको एक बार में ही ख़त्म करना होता है, ज़्यादा ख़त्म नहीं करना, अब तो बस ये फिनिश होने वाला है। और ठीक है, हमने थानोस को फर्क पड़ गया, हमारा थानोस कह रहा है आई एम रादर डिसअपॉइंटेड, मैं तो बहुत ही ज़्यादा निराशा फील कर रहा हूँ। ये कह रहा है वैसे मुझे यहाँ के जितना भी खुशी हुई है तब भी इस डैमेज के में कुछ तो यूनिक है। कह रहा है कि चलो मैं तुम्हें जीने देता हूँ ना, तो मुझे पता लगे कि यहाँ पे क्या अलग है। और ये कह रहा है कि अब अगली बार तुम मेरे काम के बीच में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अब आयरन मैन कह रहा है वेल दैट वाज नॉट गुड, ये कुछ अच्छा नहीं था। तो कैप्टन कह रहे हैं यू थिंक, तुम सोच रहे हो, इस बार तो हमने बहुत ही बड़ी गड़बड़ कर दी है। तो अब आयरन मैन कह रहा है वेल मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ बात करनी चाहिए बिग हेडेड बैड गाय से, मतलब मडोक से, मडोक के बैड बिग हेड है ना, तो उससे हम बात करेंगे। सो लेट्स गो फॉर इट। इस कॉस्मिक थ्रेट का मेन सुपर विलन आयरन थानोस को तो बस थोड़ी देर के लिए मारना था। तो ये आ गया हमारा मडोक। तो मडोक कर रहा है यू फूल्स यू बेवकूफ, तुमने पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया। तो ये हमारा आयरन मैन कह रहा है ओ, तुम्हारा मतलब है कि वो वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें तुमने बहुत बड़े कॉस्मिक टायरेंट, मतलब एक कॉस्मिक बीस्ट को, एक कॉस्मिक खतरनाक आदमी को तुमने अपने वर्ल्ड में बुला लिया, वो वाला एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो क्या? ये कह रहा है कि तुमने ऐसे अफेयर्स मतलब ऐसी चीज में हाथ डाला है ना जिसको तुम, मतलब मैं क्या बताऊँ, तुम उसको वो भी नहीं कर सकते, मतलब सुलझा नहीं सकते, ऐसे अफेयर में तुमने हाथ डाला है, तुमने उसमें हाथ, तुमने बीच में उंगली नहीं करनी चाहिए, तुम्हें लगे ये कहना जा रहा है तुमने उंगली कर दी, जो कि सही बात नहीं है। और ये मडो काम जल्दी ख़त्म करेंगे, फिनिश। तो अब हमारी कैप्टन मार्वल कहती है कि मडो जल्दी से एक्सप्लेन करो ये क्या रहा है, कि ये कह नो आई कैन नॉट, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आयरन मैन कह रहा है हाँ मेरे को तो पता ही था तुम वो जीनियस है ही नहीं जो तुम हमेशा कहते थे, पर उसको चिढ़ा रहा है। तो मडोक कह रहा है फाइन, अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता देता हूँ कि यूनिवर्स इज कोलैप्सिंग, यूनिवर्स भी एक दूसरे में आ रहे हैं, द कन्वर्जेंस या वी आर एंड वी गॉट दैट कवर्ड। तो कह रहे हैं हाँ द कन्वर्जेंस ना, जो आपस में एक साथ आ रहे हैं, हाँ वो हमें पता है और हमने उसको ठीक कर लिया, मतलब हम उसको, हम उसके बारे में जानते हैं, हम कुछ ना कुछ उसके बारे में कर रहे हैं।
तो कह रहा है यू सिंपलेटन, मतलब यू भोले बच्चे, द कन्वर्जेंस ऑफ द रियलिटीज, यानी सारी रियलिटीज जो भी दूसरी दूसरी दुनिया है, दूसरे दूसरे डायमेंशन है, उनका एक साथ आना, ये तो बहुत ही स्मॉल पार्ट है, बिगर प्रॉब्लम्स तो अब आने वाली है। तो ये कह रहा है कि कुछ आने वाला है, ठीक है ना, और उससे क्या होगा, सारे डायमेंशंस की सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। और फिर हमारी कैप्टन मार्वल कहती है हाँ, और उसका नाम है थानोस, और तुम ही ने उसके लिए डोर ओपन करे हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है कि सारी लाइफ खत्म होने वाली है, तो कैप्टन मार्वल कहती है हाँ, तुमने जो उसके डोर ओपन करे, थानोस, अब थानोस सबको मार ही देगा। ये कह रहा है कि थानोस तो कुछ भी नहीं है जो रियल में आने वाला है, ठीक है ना, और इनफैक्ट और असली बात तो ये है कि थानोस हमारी हेल्प कर सकता था उसे रोकने में, पर ये कह रहा है कि तुम बेवकूफों ने उसको गुस्सा कर दिया और उसको भगा भी दिया। अभी कह रहा है कि अब पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगा, और उसका जो इल्जाम आएगा वो तुम लोगों पर आएगा। तो कह रहा है कि क्यों ना तुम अपना जो बिग हेड है उसको संभाल के रखो, और मुझे सही सही क्लियरली बताओ कि चल क्या रहा है, ठीक है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो अब कैप्टन मार्वल कह रही है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तुम्हारी हेल्प के लिए धन्यवाद, तुम वापस हेडक्वार्टर जाओ और यहाँ की क्या सिचुएशन हुई उसके बारे में बताओ, ठीक है, तो हमें फटाफट थानोस के बारे में बताना होगा, जब तक ये दोनों मडोक से पूछेंगे कि क्या चल रहा है भाई, पूरी स्टोरी बताई नहीं गई और हमें हेडक्वार्टर भेज दिया गया, बेइज्जती। तो ठीक है, हम ओमेगा फ्लाइट में आ गए और कॉस्मिक थ्रेड भी यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आज की स्टोरी यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट मिशन हमारा होगा हाइड्रा एम्पायर का, आई एम प्रिटी श्योर, नहीं तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं जाके। कलेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, एक्टिविटी लॉग में देखना था, बैक करो, हाँ एक्टिविटी लॉग, न्यू स्टार्क सिटी, उसका 15 मिशन, और आखिरी मिशन आप देख सकते हैं वो है कॉस्मिक थ्रेड, और अब इसका नेक्स्ट मिशन स्टार्ट होगा। तो आज के मिशन में इतना ही है, चलता हूँ फिर, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।